हेलो गाइस, और ये मेरी एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली है। ये मम्मी है और मम्मी पहले करवा चौथ का ये पूजन चांद के सामने कर रही हैं। अब इसके बाद सब हम एक एक करके आएंगे और सब पूजन करेंगे। और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी बेटी पीहू है, बहुत ही क्यूटी पाई है ये। और बहुत ही इसको भी बहुत ही यूट्यूब का क्रेज़ है, बहुत अच्छा बोलती है ये। और ये हमारे पापा हैं, देखिए गाइस पूरी हेल्प और सपोर्ट कर रहे हैं गाइस। और ये मैं हूँ, अब मैं करूँगी चांद को पूजन। देखिए गाइस चांद निकल आया है, कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो चांद देखिए गाइस। अब गाइस एक एक करके हम सब पूजेंगे चांद को। अब मेरा नंबर है गाइस, देखिए कितना अच्छा लग रहा है गैस। चांद तो बिल्कुल सही टाइम पर आ गया था इस बार, पर थोड़ा सा हमें भूख तो नहीं लगी थी, पर थोड़ी सी थकावट तो हो ही गई थी गाइस, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ठंड वाला मौसम हो गया है, तो इस वजह से सो गई थी मैं थोड़ी देर, 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद। तो देखा कि चांद भी निकल आया है, देखिए गाइस बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर गाइस चांद इस बार बहुत ही पूरा फुल मून है, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। देखिए गाइस मैं किस तरह से पूजा कर रही हूँ, देखिए गाइस। अब इसके बाद गाइस अब मेरी एक छोटी दरानी आएगी, तो जिसका नाम तन्नू है, मैं आपको उससे भी मिलवाती हूँ। अब उसके बाद उसका नंबर है, सब एक एक करके आएंगे, पहले मम्मी फिर मैं, अब उसका नंबर है, अब वो आएगी गाइस। ये इसमें थोड़ा थोड़ा दीक्षा ने शूट किया है, अगर हम ज़्यादा पूरा आपको दिखाते तो थोड़ा सा और लंबा हो जाता। ये देखिए गाइस देखिए गाइस, ये मेरी दरानी है छोटी, तो इसका नाम तन्नू है, तो ये भी हमारी फैमिली में है। और आप तो आपने हमारी फैमिली में सबको देख लिया है। और ये मेरा छोटा देवर है गाइस, इसका नाम भी अंकुर है। तेरे लिए और मरते हैं नाम पे तेरे, दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए। और देखिए गाइस अब ये लोग पूजा कर रहे हैं। सोना दिल कहता है तेरी गलियों में ही रहता है, जाना समझो ना, दिल कहता है तेरी बाहों में जीना है मरना है इश्क में तेरे। देखिए गाइस पूरा जो है चांद निकला है, और पूरे अच्छे ढंग से सबने एक एक करके अब पूजन किया है। यहाँ पर गाइस इसके बाद हम लोग जो जल है वो तुलसी में भी चढ़ाते हैं इस टाइम। तो गाइस शाम की तो पूजा हमारी हो गई थी, हम लोगों ने कथा भी सुनी थी और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी लेडीज़ थी, हम लोगों ने सब इकट्ठे बैठे और सबने पूरी अच्छे ढंग से कथा सुनी, और फिर उसके बाद सब अपना अपना मंदिर होके घर आ गए। गाइस इसके बाद हम मंदिर ज़रूर जाते हैं कथा करने के बाद। उसके बाद गाइस फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम लोगों ने पूजा की, चांद को अर्घ दिया। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस। तुमसे जीते मरते हैं इश्क में तेरे, ओ मेरे साजना वे डोला मेरे, आँखों में देखो मेरी दिल की कहो। गाइस देखिए अब ये मेरे को पानी पिला रहे हैं सब, अब एक एक करके हम लोग पानी पियेंगे। और ये देखिए बच्चा पार्टी हमारी पीहू रानी गाइस, ये देखिए बहुत ही क्यूटी पाई, बहुत ही प्यारी है ये गाइज, इसकी बातें बहुत अच्छी हैं। और दीक्षा हमारे घर में सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है।
अब मम्मी मुझे प्रसाद खिला रही हैं, मुंह मीठा करा रही हैं और मैं मम्मी को सरगी दे रही हूँ। देखिएगा इस एक एक करके हम सब देंगे। देखिए गाइस अब ये हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं मम्मी पापा का। और गाइस यहाँ पर मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाई थी प्यारा सा मम्मी के लिए। एक एक करके हम सबको देंगे, छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट है गाइस। देखिए मम्मी देख रही है अब ये खोल के क्या गिफ्ट है। तो मैंने मम्मी को बोला आप यहीं पर आप खोल के देखो, यहीं पर पहन के देखो आपको ये गिफ्ट कैसा लगा। गाइस ये गिफ्ट छोटा है लेकिन बहुत प्यारा लगा, मम्मी को बहुत पसंद आया गाइस। ये देखिए गाइस गाइज ये चांदी के पायल और चांदी के बिछुए मैंने मम्मी को गिफ्ट किए हैं। अब मैंने मम्मी को यही बोला है कि मम्मी आज दिन बहुत अच्छा है तो आप जो है आज ही पहन लो इसको। तो अब मेरी छोटी दरानी आएगी तो वो मम्मी को पहनाएंगी। तो गाइज़ यहाँ पर मम्मी को बोल रही हूँ मैं कि आप अभी पहनो इसको। तो मम्मी अभी पहनेंगी ये पायल, मम्मी को पसंद भी बहुत आई है गाइज़। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था और ये मैं छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट अब मैं अपनी दरानी को दे रही हूँ। उसे भी मैंने बोला इसको आज खोलो और देखो कैसा है, तुम्हें पसंद है कि नहीं। तो गाइज़ उसको भी बहुत अच्छा लगा, अब वो भी खोल रही है छोटा सा गिफ्ट प्यारा सा। गाइज़ उसके लिए भी मैं बहुत सुंदर से पायल जो उसको जैसे इसकी चॉइस है वैसे ही मैं लाई थी। और गाइस देखो खोल के वो भी देख रही है गाइस। और मैं मम्मी को यही बोल रही हूँ कि आज पहनो इसे, आप जिद कर रही हूँ मम्मी से। तो गाइस उसको भी बहुत पसंद आई है गाइस, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था। जैसे उसको डिज़ाइन जो उसकी चॉइस है उसी के हिसाब से मैंने उसको छोटा सा गिफ्ट उसे दिया था गाइस। गाइस ये देखिए गाइस हमारे में खोई भी होती है तो मैंने उसके मन के भी उसको गिफ्ट किए हैं, दो मन के चांदी के। तो गाइस अभी मम्मी पहनेंगी पायल, देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से गिफ्ट मैंने। तो गाइस आज तो हम लोग सब सुंदर लाल लाल लग रहे थे और मैंने भी कुछ रेड कलर में पहना था और तन्नू ने येलो कलर में, बहुत ही प्यारी मस्टर्ड कलर में ये साड़ी है उसकी, बहुत सुंदर लग रही थी। और अब तन्नू पहना रही है मम्मी को पायल और बिछुए। और मम्मी ने भी बहुत प्यारा आज प्यारी साड़ी पहनी थी तो मम्मी ने चेंज कर लिया। और मम्मी की थोड़ी सी हैवी साड़ी थी मोर पंखी स्टाइल में, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी तो मम्मी ने चेंज कर लिया। और गाइज़ यहाँ पर मेरी जो दरानी ने साड़ी पहनी थी उसका भी आउटलुक बहुत सुंदर था, बहुत ही बारीक कढ़ाई थी गाइज़। और पापा बैठे हैं, पापा तो बहुत मजाक कर रहे हैं यहाँ पर कि मम्मी के पायल जो है मम्मी को पूरे आएंगे कि नहीं, तो हम सब इसी बारे में बात कर रहे हैं गाइज़। और मम्मी अब पायल तो पहन ही रही हैं और बहुत प्यारी लग रही थी मम्मी के पैरों में पायल गाइज़, बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने तो मम्मी को यही बोला आप ये ली उतार के अब यही वाली पहनो नई वाली, बहुत सुंदर भी लग रही थी गाइस उनकी पैरों में पायल। और जबकि हमारे पापा इसमें बड़ी अच्छी अच्छी मजाक भी कर रहे थे, हम लोग हंस भी रहे थे। देखो गाइस, तो गाइस ये देखिए ये बैलून से खेल रही थे, देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है, इसकी स्पार्कल निकली है गाइज़। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट हमारे घर में छोटी सी बच्ची है। और इसके बाद हमारे घर में जो बड़ी है वो दीक्षा है। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ तो गाइज़ यहाँ पर मैंने बेदमी पूड़ी बनाई थी तो मैं वो फ्राई कर रही हूँ, देखिए गाइज़। और साथ में मैंने बनाए थे टमाटर और आलू की सब्ज़ी गाइज़, और साथ में मैंने बनाए थे पिंडी चना, बहुत ही टेस्टी था गाइज़। मैंने सब थोड़ा थोड़ा बनाया था जितना मेरे से हो सका था। और गाइज़ ये देखिए एकदम से पूड़ी भी मेरी फूली फूली,
बेदमी पूड़ी निकल रही थी, बहुत ही टेस्टी पूड़ी। दोस्तों ये अब मेरी करवा चौथ की थाली बिल्कुल तैयार हो गई है। ये मैंने आलू बनाए हैं, आलू टमाटर की सब्जी। और गाइस ये मैंने सूखे चने बनाए हैं, पिंडी। और गाइस ये मैंने दाल वाली बेदमी पूड़ी बनाई है। और यहाँ खाने में मैंने कुछ मीठा भी रखा है गाइस। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अचार भी सर्व कर रही हूँ। तो गाइस जल्दी जल्दी आप लोग भी आ जाइए, हम लोगों के साथ शेयर कीजिए गाइस। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू, बाय।